दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेशन मास्टर की जो जॉब होती है वो कैसी होती है, और आपने उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें काफ़ी सुनी होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिक्के के दोनों जो होते हैं साइड पहलू होते हैं वो आपके सामने रखूंगा कि आपको इस जॉब में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और उस क्या क्या चीज़ परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ सकती हैं या फिर किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो पहली बात इसमें यह है कि ये आपके नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं है, जैसा एक नॉर्मल सरकारी जॉब होता है उसकी तरह नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी सैटरडे संडे या वीकेंड पर छुट्टी ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, ना कोई तीज त्यौहार पर छुट्टी होती है। तो होली दिवाली पर आपको छुट्टी मिलेगी अगर आप ये सोचते हैं, या फिर सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी अगर आप ये सोचते हैं, तो इस जॉब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे 7 दिन की एक शिफ्ट होती है, रोटेशन होता है, और उस रोटेशन के बाद आपको 1 दिन की छुट्टी मिलती है, और वो दिन कोई भी हो सकता है। उसमें ज़रूरी नहीं कि वो सैटरडे संडे होगा, वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, तो कोई भी दिन, सोमवार मंगलवार या किसी और दिन भी आपको 1 दिन छुट्टी मिलेगी, और बाकी 7 दिन आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा है कि इसमें काम का जो टाइम होता है, स्पेशली जो छोटे स्टेशन है वहाँ पे जो काम का टाइम है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको ओवर टाइम भी करना पड़ता है। उसमें आपको स्टेशन मास्टर की जो ड्यूटी है उसके अलावा दूसरी ड्यूटी होती है, जैसे टिकट, आपको जो टिकट काटता है वो भी आपको काम करना पड़ेगा, और दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें भी आपको ड्यूटी होती हैं वो भी करनी पड़ती हैं। तो छोटे स्टेशन पे तो आपको ओवर टाइम करना ही पड़ेगा, तो वर्क का काम लोड बहुत ज़्यादा रहता है और टाइम खुद के लिए कम मिलता है। रात की भी ड्यूटी होती है, दिन की ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी हमेशा अलग अलग टाइम पर आएगी, तो कोई फिक्स रूटीन नहीं होता फैमिली के साथ टाइम अपना बिताने का। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो 75 दिन की इनिशियली होती है, वही सबसे अच्छा टाइम होगा, आपको लगेगा कि ये बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बार जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ज़्यादातर लोगों की जो पोस्टिंग होती है वो किसी दूर दराज के इलाके में हो जाती है। 90% जो पोस्टिंग होती है, पहली पोस्टिंग, वो हमेशा दूर दराज के इलाके में होती हैं। जो यंग लोग हैं उनकी पोस्टिंग दूर दराज के इलाके में होती हैं, और वहाँ पर ना कोई मॉल होता है, ना कोई सिनेमा हॉल, ना कोई खाने पीने की जगह, और हालत ये होती है कि वहाँ पर जो बेसिक जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी आपको ना मिलें, और हो सकता है कि आपको शौच के लिए भी खुले में जाना पड़े, ये भी हालत हो सकती है। तो ये सब बातें आप अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें कि इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कई जगहों पर है। दूसरा है कि जो रहने के लिए घर मिलता है वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। ज़्यादातर जगहों पर जो घर हैं इंडियन रेलवे के, जो स्टेशन मास्टर को जिसमें अलॉट किया जाता है, आप एक तो मना नहीं कर सकते कि मुझे नहीं रहना है, मैं बाहर रहना चाहता हूँ, वो नहीं कर सकते, आपके नाम पे अलॉट कर दिया जाएगा। और जो घर है वो, उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है। अधिकतर इलाकों में बहुत पुराने घर हैं, 50-50 साल पुराने हैं और 40-40 साल पुराने हैं, बिल्कुल खंडहर की हालत में है। उस तरह के घरों में आपको अपना जीवन बिताना पड़ेगा, और कई बार तो जो इनकी इनके टॉयलेट हैं उनकी हालत ऐसी होगी कि आपको देख के बहुत ही बुरा लगेगा। फिर आप ये भी देखिए कि प्रमोशन जो है वो भी बहुत स्लो हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन के चांस नहीं है। स्टेशन मास्टर ज़्यादा से ज़्यादा होता है प्रमोट और बन जाता है सुपरिटेंडेंट, तो सुपरिटेंडेंट और स्टेशन मास्टर के जॉब में कोई अंतर ज़्यादा है नहीं, जो काम करते हैं वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो दोनों की लाइफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। दूसरा, मैं आपको इसमें ही बता देता हूँ कि जो सैलरी वगैरह है उसमें तो आपका बेसिक आएगा, DA आएगा, फिर आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो मिलेगा, क्योंकि हॉलीडे अलाउंस उनको मिलता है, क्योंकि छुट्टी नहीं होती है, जो छुट्टियाँ होती हैं कभी तीज त्यौहार में या सैटरडे संडे या ऐसा कोई छुट्टी, तो उनका अलाउंस मिलता है अलग से, और एक्स्ट्रा ड्यूटी रहेगी आपकी, नाइट ड्यूटी तो ज़रूर रहेगी, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी रहता है, जो रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में आप कभी ड्यूटी करेंगे तो उसको लेके अलाउंस होता है। तो दूसरा है ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, वो आपको ड्यूटी की जगह पर जाने के लिए, अगर आपका घर या रहने का इलाका 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फिर ड्यूटी वाली जगह पर जाने के लिए एक अलाउंस मिलता है, जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। उसके अलावा फैमिली को मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, रेलवे के जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें फैमिली को रहने की जगह मिलेगी, और अगर मकान नहीं है तो आपको HRA मिलेगा, पर ज़्यादातर जगहों पर मकान है तो आपको HRA नहीं मिलेगा और मकान मिलेगा, और फिर सब्सिडाइज्ड मतलब कम रेट पे आपको बाकी जैसे पानी बिजली की सुविधाएँ भी दी जाती हैं। उसके बाद है कि ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए आपको पास मिलता है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको ट्रेन से अगर ट्रैवल करना है तो फ्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं, और ये इसकी अच्छी बात है। दूसरा होता है इसमें कि अगर स्टेशन मास्टर का जो जॉब है उसमें
जो टाइम है वो शिफ्ट में होता है कि 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो इस तरह का रहता है टाइम। और उसके बाद है कि पांच एक बार शिफ्ट हो जाएंगी, जैसे मतलब 5 दिन मैं काम कर लिया मैंने 8-8 घंटे, या फिर 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है टोटल, तो उसमें 5 बार मैंने काम कर लिया, तो उसके बाद मुझे 30 दिन का मतलब 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। वीकली हॉलीडे वाला जो सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये इस जॉब की अच्छी और ख़राब बातें हैं। तो आप जब भी आएँ तो इस जॉब में ज्वाइन करें। क्या होता है कि ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोग पहले साल में ही ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो पहला साल होता है उसी में ये जॉब छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। तो कि उन्हें पता नहीं होता, उन्हें आने के बाद लगता है कि अरे ये सब तो हमने कुछ सोच के नहीं आए थे कि ऐसा होता है, और फिर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। तो ये सारी बातें आपको पहले से पता रहेंगी तो आप अच्छी तरह से तैयार रहेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से होगी। इसीलिए इस वीडियो में मैंने जो अच्छी और ख़राब दोनों बातें हैं वो आपको बता दी हैं। थैंक यू।